आज सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही अच्छा साइन मिला. ओके, कल मैंने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं डीमार्ट में गई थी. वहाँ पे स्क्वायर शेप का एक 90 लीटर का बॉक्स मैं लेके आई, जिसमें मैं फ़िश रख सकूँ. ओके, अब तो इसलिए, बट उस फिल्टर का पानी डालते डालते रात के 3 बज गए मुझे. और मैंने फिर, मैं बकेट भरा हुआ था छोटा वाला, और फिल्टर के नीचे बेसिन में रखा हुआ था, और मैं सो गई. और उसमें फिल्टर का पानी था, मतलब प्योर वाटर था. ओके, प्योर वाटर था. जो चूहा मेरा इतना नुकसान कर रहा था, मेरे कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि यहाँ पप्पी की वजह से सुखा नहीं सकती, किचन में सुखा रही थी, पूरे ख़राब कर रहा था, मेरे कितने सारे गाउन फाड़ दिए. ओके, तो इतना नुकसान किया. एक दिन वहाँ पे जो है, मैं बिस्किट रखे हुए थे रात को 12 बजे मुझे याद आया, अरे यार ये बिस्किट, मैगी के पैकेट, ये तो सब ख़राब कर देगा, तो चलो मैं बेडरूम में इसको रख देती हूँ. ये सोच के मैं उसको उठाने लगी, और वहाँ पे इतना बड़ा चूहा, जो कि रोज़ आता था रात को, अंदर कहीं से आ जाता था, एंटर कर लेता था किचन में, और उसने मुझे पता नहीं काटा तो नहीं, खून तो नहीं निकला, बट इतना कुछ किया कि जैसे मानो जलन हो रही हो, क्या एसिड डाला या थोड़ा सा ऐसा टुर्र कुछ किया. और मैं 2 उंगलियों की शायद ये थी या ये थी, कौन सी थी, इतनी जलन हुई, 4-5 दिन तक जलन हुई. फिर भी मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको पॉइजन जहर दे के मार डालूँ. तो मैं सोच रही थी, मैं फादर को बहुत दिन से बोल रही थी कि पिंजरा लाइए और उसको मुझे ला के दीजिए और उसको खेत में छोड़ दीजिए. बट आज जो पानी रखा था, प्योर वाटर, ओके, और रात को वो चूहा उस पानी में गिरा, मरा तो नहीं, देखो मरा तो नहीं, इसका मतलब मरेगा नहीं, ओके, लेकिन रात भर वो पानी में डुबुक 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 डुबुक. मैंने एक मुस्लिम संत या कोई था, जिसका मैंने आई थिंक फेसबुक पे भी मैंने वो शॉर्ट शेयर किया है, कि जो चूहा होता है गणेश, देखो गणेश विघ्न हरता है, तो वो अच्छा प्रतीक नहीं होता है. ओके, वो किसी अच्छे चीज़ का प्रतीक नहीं होता, इसलिए गणेश जी ने जो है उसको अपना वाहन बनाया. ओके, वाहन बनाया, विघ्नों को हर लिया. ओके, तो जैसे 2020 में देखो, 2020 की जो इक्वल किया तो कितना आता है, 4, 20+20, मतलब सिंगल आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 4 आता है. 4 नंबर राहु का और हर्षल का प्रतीक माना जाता है. तो जो मेरा कार्मिक था उसका भी इसी मंथ में 4 डेट ऑफ बर्थ था. मतलब इतने गंदे होते हैं लोग, बहुत ही बुरे नेचर के होते हैं, दिखने में कितने भी इनोसेंट हो के, मतलब दया, क्षमा, शांति, प्रेम, इनमें कुछ नहीं होता. हर्षल का काम क्या होता है, ब्लास्ट. राहु तो है ही विषारी, मतलब सॉरी, राहु को दोष दे के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके कर्मा है. ओके, ये आपके कर्मा है. तो लॉर्ड गणेशा उनने उनको कंट्रोल किया. मैं एक दिन, मुझे ड्रीम आया जिसमें एक चूहा दिखा मुझे बड़ा, और वो बोल रहा था, तुमको पता है मैं महिषासुर का रूप भी धारण कर सकता, सॉरी महिषासुर का नहीं, मैं भैंसे का रूप भी धारण कर सकता हूँ. तो मुझे लगा कि यार ये चूहा कुछ अच्छी निशानी नहीं दिख रहा, जो मुझे ड्रीम में बोल रहा है कि मैं भैंसे का भी रूप धारण कर सकता हूँ. अभी दुर्गा सप्तशती में भैंसा मतलब महिषासुर का प्रतीक है. ओके, और उसका रूप ये धारण कर सकता है, मतलब ये कोई शैतानी शक्ति है. ओके, ये कोई शैतानी शक्ति है. और वो भी एक ड्रीम आया था जिसमें कि गॉड डेमन, लिटरली बकरे जैसा मुंह वाला राक्षस वांट टू फोर्स मी, और वो मेरे पास आ रहा था, पीछे जो है दीवार थी और मेरे पास रास्ता नहीं था भागने के लिए. जैसे वो टच करने जाता तो मुझे वो एनर्जी बहुत ही निगेटिव लगती, और वो उसके टच करते ही, मतलब जो है जैसे फुल बॉडी से जो है चूहे निकल रहे हो. ओके, चूहे निकल रहे, तो मुँह से चूहे निकल रहे, और मैं उसको फेंक के मार रही हूँ कि मुझे तुम्हारी एनर्जी नहीं चाहिए. और पीछे से कोई आया और उसको सबक सिखाया, और मुझे दिखा कि रास्ते में ले जाके भी उसको बहुत मारा, ऐसा वो दिख रहा था. मतलब कोई तो शक्ति है जिसने आपको बचाया उस गॉड डेमन से, डिवाइन फेमिनेंस को. तो
आज का जो साइन है उसका क्या मतलब है? ओके, तो फिर मैं सुबह मेरी बाई आई और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो उसके ऊपर एक थाली लगी बकेट के ऊपर और ये जाके आप ज़रा दूर फेंक दो कि ये आए नहीं वापस। अब वो कहाँ तक गई वो राम जाने, ज़्यादा दूर नहीं गई वो, और उसको फेंक के आया। लेकिन चूहे की जो हालत हुई थी, सोचो पानी में डुबुक 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 क्या हाल हुआ होगा, एक सेकंड भी उसको चैन नहीं मिला। और चूहा जो है शैतान का, जैसे एंजल्स होते हैं ना वैसे शैतान का वो ये होता है, जाके घर में चेक करके आता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं, और उसका नुकसान करता है। मतलब इसीलिए चूहे को शैतान का प्रतीक माना गया है। और मुझे भी ड्रीम में मैं भैंसे का रूप ले सकता हूँ और मुझे लिटरली काटा, मतलब खून नहीं निकला बट कुछ तो किया मुझे। दो चार दिन तक मुझे दोनों उंगलियों में जलन होने लगी और आज उसको सबक मिला। तो इसका क्या मीनिंग है? ओके, इसका मीनिंग ये है, देखो शुद्ध वाटर मतलब फिल्टर किया हुआ वाटर था वो, ओके, जो कि मछलियों के लिए मैं रख रही थी। अब वो फिल्टर वाटर में गिरा है, मतलब शुद्ध पानी में गिरा है, मतलब वो आपकी लक्ष्मी को नुकसान करने के लिए आता है। चूहा के इस चीज़ का प्रतीक है नुकसान का, तो वो लक्ष्मी का नुकसान करने के लिए आया था। लेकिन ईश्वर ने उसको उसी में डुबा डुबा के उसको बोल करेगा 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 किसी की लक्ष्मी का नुकसान करेगा। तो ये जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक ड्रीम शेयर किया जिसमें बनी बनाई चाय, ओके, मैंने इतनी सुंदर चाय बनाई। अब खाना लेट बनाती हूँ, सुबह सुबह भूख लग जाती है, और घर के कच्चे दूध की चाय, तो चाय में तो ना कभी कच्चा दूध डालना चाहिए टेस्ट। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मेरी चाय की पत्ती जो है, चाय पाउडर को कोई टेस्ट ही नहीं है, तो एटलीस्ट दूध को तो टेस्ट हो, इसलिए मैं उसको कच्चा दूध रखती हूँ फिर उसको डालती हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट आए। और तो मैंने कच्चा दूध डाला, और आजकल वात दोष दूर हो इसलिए मैं बहुत सारा अदरक डालती हूँ, वही मेडिसिन है सोच के, और सुबह सुबह उसको एंजॉय करती हूँ। तो इतनी सारी चाय बनाई, ऊपर से चिपकली ऐसे साइड से ही उसकी पूंछ, मतलब थोड़ी सी गिर के चली गई, थोड़ा सा ही टच करके चली गई, लेकिन अब चाय तो पीने लायक नहीं रही ना। मतलब ये साइन था कि आपका शत्रु, आप कितनी भी कोशिश करो, बनी बनाई चीज़ का नुकसान करके चला जाएगा। तो ड्रीम में मुझे साइन मिला कि तुमने बहुत कोशिश की बट तुम्हारे घर में कोई आया जिसको तुम रोक नहीं पाई और वो जो है ब्लैक मैजिक करके चला गया। तो मुझे वो साइन भी मिला कि मेरा अकाउंट, जैसे आप मतलब सडन से आप देखोगे कि भाई काफ़ी आपका मतलब आप खर्चे इतने कर रहे हो या कुछ ऐसा दिमाग, मतलब लक्ष्मी बंधन क्या होता है कि आपका काम पे दिमाग नहीं लगेगा या आप ऐसा करोगे कि इतने खर्चे करोगे कि बर्बाद हो जाओगे, वो भी एक होता है। ओके, इसलिए वो भी अलर्ट रहना चाहिए कि अगर आप जानते हो कि आप लॉस में जा रहे हो, कि कल को आपका कोई करने वाला नहीं है और फिर भी आप जो है पैसे खर्चे जा रहे हो, कोई संभाल के नहीं रख रहे हो, तो वो भी एक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है। तो मतलब कोई करके चला गया, वो उसने वो किया या कुछ और किया पता नहीं, लेकिन एक काला बॉल जैसे कोई गोल मछली हो काली, ऐसे उड़ के वो काली मछली तो नहीं थी, कोई जीव था वो। बहुत मैंने कोशिश की कि दरवाजे के अंदर ना आए, लेकिन वो आ गया। मतलब कोई आपको नुकसान करके चला गया। आज जो चूहे को सबक मिला है तो उसका क्या मीनिंग है? ओके, उसका मीनिंग ये है कि अब जो आपका नुकसान करने आया है, जो कि बड़ा ख़तरनाक है, सालों से आपका नुकसान कर चुका है, मेरे कपड़े फाड़ चुका है, मेरे खाने की चीज़ें बर्बाद कर चुका है, मेरा बहुत सारा नुकसान कर चुका है, इवन मुझे फिज़िकल हर्ट कर चुका है, यहाँ पे काट चुका है, तो ऐसे जो नुकसान मेरे बुआ और बुआ के हस्बैंड आए नीचे, ओके, तो मतलब इनको कोई ना कोई सबक मिलेगा। अब क्या होगा पता है, अब ये अलर्ट हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ इसने वीडियो बनाया था, मतलब इसने ही कुछ किया होगा, ओके, आपका घर बेच दिया, मैंने बेच दिया, ओके,
यार मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो रियली हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, ओके okay? जो रियल है, ओरिजिनल है, उनके लिए बता रही हूँ उनको घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे वो ड्रीम में साइन भी मिला कि समंदर खुद लेने आया है आपको, लेकिन इस बार आपको घर मिलेगा, ओके okay? क्योंकि समंदर किनारे एक छोटा सा घर भी मुझे दिखा, मतलब और जो जगन्नाथ भगवान है वो बोल रहे थे कि थाली परोस दी है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है, मतलब इस बार आपको भूखा नहीं रखा जाएगा, इस बार भगवान खुद आपकी टेक केयर करेंगे, लव यू कृष्णा। और लेकिन मतलब ये तो साइन मुझे मिल चुका है कि कल को घर को बाहर पड़ना पड़ेगा। देखो मेरे फादर ओके okay? मैं बीमार पड़ी थी, मुझे कार से भेजा था और मुझे बोल दिया था कि भाई हम दे देंगे बिल, क्योंकि घर की कार तो दी नहीं, खुद 10 बार जाते लेकिन मुझे नहीं लेके गए ओके okay? अब मैं इतनी बीमार पड़ गई हूँ तो दिया कार, और कार का बिल 1600 रुपये मुझे ही देना पड़ा ओके okay? और कल मैं गई, कल भी बीमार पड़ी, और कल तो मैंने लिटरली फादर को कहा कि ज़रा देखिए अगर कोई मुझे दत्तक लेता हो या अडॉप्ट करता हो तो देख लीजिए, क्योंकि हमारी हालत तो अब बहुत ख़राब हो गई, मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, और आप कभी मुझे कोई फैसिलिटी नहीं देते, कोई रिक्शा नहीं है, और मैं 3 महीने से जाने की कोशिश कर रही हूँ हॉस्पिटल, और चांस ही नहीं है, कभी आप मुझे कार में लेके नहीं जाते। तो मेरे फादर का मैं कार बुलाता हूँ ना, और बुलाया कार, मस्त रात को कार वापस आई, हॉस्पिटल पूरा काम हुआ नहीं, हॉस्पिटल में इतनी रश है, वो भी एक सोल पर्पज़ है, मुझे समझ में आया, सिर्फ वाइब्रेशन लेवल पे काम करना ये आपका सोल पर्पज़ अब रहा नहीं है ओके। आपकी मिट्टी जो है, आपकी अर्थ जो है, जिसको केमिकल्स से ख़राब हो रही है। मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे दूर दूर गांव से सुबह 8 बजे से लोग नंबर लगा के रखे, रात को 12 बजने तक भी उनके नंबर नहीं लगने वाले, और मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा कहाँ से लगेगा, मैं तो दोपहर के बाद गई थी, तो लोगों ने कहा कि हमने तो कब का लगाया है, और इतना रश था। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई रात को, वहाँ पे भी डॉक्टर इतने बिजी, पेशेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वहाँ आईसीयू में वो देख रहे हैं, और कोई सडन से आ रहा है डॉक्टर हमें एडमिट कर लो, तो वो तो गांव के बाहर था हॉस्पिटल, फिर भी वहाँ पे इतना रश, तो मुझे लगा कि यार कितना लोड है डॉक्टर्स पे। देखा जाए तो देखो डॉक्टर इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन स्टडी भी उतना करना पड़ता है, और कितना लोड है, मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं मार सकते, इतना लोड है डॉक्टर्स को। और कोरोना के टाइम पे तो क्या होता होगा, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है ओके okay? कोई जानबूझ के बीमार नहीं पड़ता, या मतलब कितना रिस्क लेकर डॉक्टर काम करते हैं, इसलिए भगवान उनको पैसा भी अच्छा देता है, क्योंकि वो दूसरों को जीवन दान देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इतना क्या हो रहा है कि हर कोई मतलब पैदा होते ही हॉस्पिटल और मरने के बाद भी हॉस्पिटल, जिंदगी की पूरी कमाई हॉस्पिटल में लोगों की जा रही है, तो सिर्फ प्राणायाम करके, रेकी करके, मेडिटेशन करके आप अपना वाइब्रेशनल लेवल पर तो स्ट्रांग हो रहे हो, चक्रा भी आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी है, जैसे मेरा भी देखो, मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, मेरे सातों चक्र एक्टिवेट है, मेरा हेल्थ कितना अच्छा होना चाहिए था, मेरा मैनिफेस्टेशन पावर, लेकिन आप जो खा रहे हो, जिसमें जो रसायन मिलाए हुए हैं, केमिकल्स मिलाए हुए हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, फल हो, सब्जियां हो, दालें हो, हर चीज़ में केमिकल है, तो कैसे आपका विकास होगा ओके okay? कैसे विकास होगा? स्टार सीड्स आर सो सेंसिटिव ओके। मैं तो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाती हूँ, मुझे तो प्रोटीन भी नहीं मिलता है, खुद ही बनाओ तो खाओ, तो वो भी एक सोल पर्पज़ है। और मैंने सोचा कि भाई जो देखा कि दहलीज जो है, दहलीज पे कुछ बुआ और बुआ के हस्बैंड ने किया था, वो दहलीज चेंज हो चुकी है, क्योंकि घर में नई दहलीज लगाई गई है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है सामने वाले घर का, तो अब मुझे फिर से डर है कि उस दहलीज पे ये फिर से कुछ ना कर दे, क्योंकि अभी पूरा मकान बना नहीं है, वो चिपकाया तो है, कुछ ना कर दे,
तो आज पितरों का दिन है, ओके, आज पितरों का दिन है। कहा जाता है कि दहलीज के ऊपर अगर कोई करने के लिए आए और फिर से उसके ऊपर, मतलब करने के लिए आए, तो उसकी जान को खतरा होता है क्योंकि वो पितरों का स्थान है। अगर घर के पितर जो होते हैं वो रखवाले होते हैं, ओके, वो रखवाले होते हैं, और ऐसा कोई अगर आपके घर की दहलीज पे कुछ करने को जाए तो डेफिनेटली उसकी जान तक जा सकती है। अगर देखो ये फिर से ये तो करेंगे, मतलब वो ये करे बिना नहीं रहे। तो मैंने भगवान से कहा, हे ईश्वर, मतलब क्या अन्याय है कि कोई लगातार ऐसी चीज़ें करते जा रहा है और मेरी स्टेप मदर उन्हीं को इनवाइट करेगी जो मेरा नुकसान करे। देखो कल को जब आपको इसको ही भुगतना है, क्योंकि एक दिन मुझे मार मार के ये घर से भगा देगी और इस घर में उसी के बच्चे रहेंगे, उनको ही कल को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। डिवाइन फेमिनिन के जब कदम बाहर पड़ने लग जाएंगे तो इनको भी तो सबक मिलेंगे। तो उस टाइम पे दहलीज के नीचे ऊपर या कुछ किया कराया होगा तो किसको, किसकी मैरिटल लाइफ ख़राब होगी, ओके। मैंने तो अभी से कुंडली देख के रखी है, आप ही बताओ अगर आपको आता है कुंडली देखना। देखो मेरे फादर के 7th हाउस में यूरेनस था, हर्षल था, तो उनकी फर्स्ट, जहाँ भी सिंगल हर्षल होता है वहाँ पर डिवोर्स कंपलसरी होता है, और सिंगल ना भी हो, कोई दूसरा प्लैनेट भी उसके साथ हो, तो बहुत गंभीर वो परिणाम फिर भी करता है। मेरे खानदान में जैसे फिक्स है, इन लड़कों के कुंडली में हर्षल है ही। मैंने देखा कि फादर की कुंडली में था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। मैंने कितनी मेरी सहेलियां हैं जिनके 7th हाउस में सिंगल हर्षल मैंने देखा है, इनका डिवोर्स फिक्स रहता है, ओके। अगर ये एक्यूरेट जन्म समय है और वहाँ पे हर्षल लिखा है तो इनका जन्म समय, मतलब डिवोर्स फिक्स रहता है। और अगर वहाँ पे दूसरा कोई प्लैनेट हो तो थोड़ा इफेक्ट वो ले लेता है फिर, बट फिर लेकिन फिर ऐसी शादी में झगड़े वगैरह बहुत होंगे। जैसे कि मेरे फादर प्यार तो बहुत करते हैं स्टेप मदर से, लेकिन उनके भी कई बार ऐसे मनमुटाव झगड़े होते हैं। और कुछ ना हो, सेपरेशन ना हो, तो घर ही घर में सेपरेट रहेंगे, ये एक दूसरे रूम में सोएगा, ये इधर सोएगा, और कहीं ना कहीं जो पूरा इफेक्ट है वो मेरी माँ पे हो गया, उनकी डेथ हो गई। मतलब कोई ना कोई कमी लाता है मैरिटल लाइफ में, एक तो पर्सन की डेथ हो जाती है जो आपका पार्टनर है, या फिर उस मैरिड लाइफ में झगड़े, तनाव, डिवोर्स, ये बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे इस घर के खानदान के बच्चों के, मतलब लड़कों के स्पेशली मैंने देखा है कि क्या कुछ तो इनको जो है कर्स है इनके ऊपर, कुछ तो श्राप है जिसकी वजह से इनके 7th हाउस में वो दिखाई दे रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं रिपीटेडली जो आ रहा है, मेरे चाचा की कुंडली मुझे नहीं पता, बट बाकी इस घर के लड़कों की कुंडली मैंने जो देखी है, जो 7th हाउस में हमेशा इनकी, जैसे मेरे फादर की भी थी, अब थोड़ा कर्ज कम हो गया क्योंकि मेरे फादर स्टार सीड थे, इसलिए उन्होंने वो बहुत सारा ले लिया अपने ऊपर, ओके, तो उनकी मैरिटल लाइफ फर्स्ट वाली तो बर्बाद हो गई। तो अब इनके ऊपर 50-50 फिर भी आया है, ओके, फिर भी आया है बच्चों के ऊपर, फिर भी 50-50 आया है। तो मतलब टेंशन, तनाव, झगड़े रहेगा, झगड़ालू वाइफ मिल सकती है। जैसे कि हर्षल मतलब बॉम्ब स्पोट, मतलब धड़ाम, टुकड़े टुकड़े, जैसे हर्षल अगर 8th हाउस में हो तो ऐसे इंसान की जल के बॉम्ब स्पोट से, विमान दुर्घटना में, मतलब वहाँ बचने के चांसेस ही नहीं, ऐसे मृत्यु होती है। अष्टम हाउस जो है मृत्यु का स्थान है, तो 7th हाउस विवाह के स्थान में अगर ऐसा प्लैनेट आ जाए तो कैसा होगा। जैसे मेरे के 2nd हाउस में आया है, 2nd हाउस मतलब पैतृक संपत्ति, पिता के घर का स्थान और जबान का स्थान, ओके, जबान का। तो मैं ऐसे कुछ बोल देती हूँ, इतना प्यारा दिल होते हुए भी कभी कभी मैं ऐसा कुछ बोल देती हूँ, सामने वाला न भूतो न भविष्यति, 7 पाताल नीचे गड़ जाता है कि इसके सुनने से पहले मैं ऊपर सुधार जाऊं। एक जोक बताती हूँ, हाँ, मेरे पड़ोसी जो, उन्होंने परेशान करने के लिए क्या किया था, उनकी बुढ़ी माँ थी जो मर गई अभी, उसको हगने के लिए हमारे किचन के नीचे बिठाते थे, ओके, और अब वहाँ पे खाना बना रहे और उसी खिड़की के नीचे हग रही है,
पूरे किचन में इतनी बदबू कि मैं महीना भर तक गई नहीं। छोटा गैस जो था मैंने बेडरूम में ले लिया, तेज पत्ते जलाए घर में। मतलब इसको शर्म आनी चाहिए, कोई कितने गंदे लेवल तक जा सकता है। तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने बोला अब तो मतलब वो इतने डेंजरस है कि मेरा बाप कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, मेरे स्टेप मदर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, जो इतनी डेंजरस डायन है। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे उनको कि इतने डेंजर वो लोग हो के। तो मैंने कहा जितने भी लोग आए घर में, मैंने कहा आपको आपको पता है मेरे पड़ोसी की डेथ हो गई और कोई देखने भी नहीं जा रहा, पूरी बॉडी सड़ रही है, देखो कितनी बदबू आ रही है, आओ आओ हमारे किचन में आओ, देखो हमारे किचन में आओ कितनी बदबू आ रही है। फिर भी उसको शर्म नहीं आ गई, फिर भी उसको शर्म नहीं आई। लास्ट में मैंने बोला अब मुझे लगता है कि कॉलोनी के पूरे लोगों को पैसे इकट्ठा करके इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी तो सड़ रही है, देखो कितनी स्मेल आ रही है, और अब इसका कोई अंतिम संस्कार तो करेगा नहीं, इसका कोई आने वाला नहीं है, ऐसा लगता है हमको ही करना पड़ेगा। एक काम करते, इतना सड़ा हुआ बॉडी है इसके घर पे पेट्रोल डाल देते, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब किसी को कितना परेशान, आप सोचो हम एक महीने तक मैं किचन में नहीं गई, इतनी गंदी बदबू। और फिर उसने अपनी माँ को डांटा, तुम्हारी वजह से वो लड़की मुझे क्या बोल गई, अरे शर्म नहीं आती इतनी गंदी हरकतें करते हुए। और उसको फिर इंसल्टिंग लग रहा है कि मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया। चलो पैसा इकट्ठा करते और उसका अंतिम संस्कार कर देते, पूरा सड़ रहा है पूरा। मतलब लिटरली ऐसी हरकत कोई कर सकता है, मतलब डिवाइन फेमिनिन की जबान होती है ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन के सेकंड हाउस में शुक्र केतु होता है, केतु दैत्य प्लैनेट है, तो शुक्र के साथ आ जाता है तो वो मतलब अश्लील, शुक्र मतलब सेक्स, ओके सेक्स सौंदर्य, ये तो वाणी को अश्लील बना देता है समटाइम्स। ये जो है बहुत गंदा बोल सकते हैं, बहुत ये लोग जो है गंदा बोल सकते हैं। तो मुझे तो साइन मिला है कि भाई अब की बार अगर ये दहलीज पे कुछ करेंगे तो शायद इनको ऐसा सबक मिलेगा, ये सपने में भी सोच नहीं सकते बुआ और बुआ के हस्बैंड। तो वो जो शैतान था जो नुकसान कर रहा था चूहा, उसको प्योर वाटर में डुबो के सबक सिखाया। मतलब उसको इतना फाइन ट्रीटमेंट भगवान देंगे, वो सोचेगा मैं इस घर में खाने पीने के लिए। अब यार देखो मेरी माँ का आज अगर इसको माँ की जगह खाने पे बिठाया तो मेरी माँ खा सकेगी, ये वैम्पायर औरत है, ओके इसको नहीं बुलाना चाहिए था। तो मैंने तो बंद कर दिया, मुझे खाने पीने पे विश्वास नहीं रहा अपने घर वालों पे, तो क्योंकि मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें हो चुकी है ब्लैक मैजिक से लेकर मारण क्रिया तक। तो मुझे किसी ने शिरडी में वही गला कटी हुई औरत ने कहा कि देखो तुम साई भक्त हो और ब्लैक मैजिक का तुम्हारे ऊपर कुछ असर होगा नहीं, कुछ भी मंत्र तंत्र किया तो तुम्हारे ऊपर कुछ असर होगा नहीं क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये हो सकता है कि तुमको खाने में कुछ दिया गया हो जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। और ऐसी चीज़ें होती है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट जो है घूमने के लिए आते हैं साउथ इंडिया में कुछ, और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ की गवर्नमेंट भी जाने नहीं देती उस एरिया में, ओके उस एरिया में घूमने के लिए नहीं जाने देती, अलाउड नहीं है, रात को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ है कि जिनकी जिनको सूंघ लिया जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में ये जो वशीकरण टोने तोड़ के करने वाले लोग होते हैं, ये आपके खाने में कुछ ऐसी वनस्पति उसका कुछ अर्क या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी बंधन जैसी चीज़ें भी हो जाते हैं, आप का दिमाग काम नहीं करेगा, आपको याद नहीं रहेगा, आप ऐसे ही किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो दिमाग को घुमा दिया जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम एक काम करना, साईं बाबा की उदी जो है पानी में डाल के तुम पीना तो बाबा चमत्कार करेंगे, और आप साई चरित्र पढ़ो, जो भी साईं बाबा पे उंगली उठाता है ना वो साई चरित्र पढ़ो। उनको शिरडी के लोगों ने पत्थरों से मारा, इतना ईजी नहीं था, आसान नहीं था, किसी अगर कोई अल्लाह का नाम लेता है तो कोई हिंदू उसको
उसको भगवान माने इतना आसान नहीं था। बाबा ने बहुत सारे टेस्ट दिए, सिर्फ चमत्कार दिखा के कुछ नहीं होता। ओके, आत्मा के अंदर उतर कर उन्होंने वो ऐसा दैवीय साक्षात्कार लोगों को करवाया कि किसी को राम के, कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, विट्ठल के दर्शन हुए। इतना होने के बाद भी साईं बाबा बोलते थे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लेकिन आज सोचो, जो जिंदा है उन्होंने तक आज मरने के बाद भी उस जगह पे लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों को शांति मिलती है। बट एक साइन बताती हूँ, आप फर्स्ट जा रहे हो शिरडी में तो आपको हीलिंग का ही ये टाइप है। ओके, आपकी गंदगी बाहर निकाल दी जाएगी। वो इंसान इतना तड़पता है, उसको बेचैन महसूस होता है, वो बार बार मंदिर में जाके साईं बाबा के चरण छूता है, मंदिर के टच में रहना चाहते, उसको इतनी बेचैनी होती है क्योंकि निगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। उसके बाद उसको धीरे 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 साईं बाबा का चस्का लग जाता है और वो हीलिंग उसको पसंद आने लगती है, उसके रोग ठीक होने लगते हैं, उसको कहीं से भी बाबा के साक्षात्कार होने लगते हैं, कहीं से भी उसको मदद मिलने लग जाती है। और जीवन का कितना भी टफ समय हो, कितना भी बुरा समय हो, उसका एक आत्मविश्वास पे, विल पावर पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कटने लगता है कि एक दिन मेरा भी अच्छा होगा। और ऐसे जीवन के कई दुखों को इंसान भोग जाता है और रोता नहीं है, ईश्वर पे विश्वास रखता है, पॉजिटिव रहता है। एक साई भक्तों के चेहरे पे एक चमक दिखती है जो कि वो वाली चमक ड्यूटी नहीं है, बट एक पॉजिटिविटी ऑरा में उनके होती है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो चूहा आज पानी में जो डूबा है, इसका मतलब आपके शत्रु, जो नुकसान करने वाला शत्रु है, उसको मीठी छुरी से भगवान सबक सिखाने वाला है। प्योर वाटर में डुबो के लेखा, डुबक डुबक डुबक। एक बैड साइन बताती हूँ, शायद उस दिन भी जिस दिन मैंने मछलियाँ लाई थी, फिश लाई थी, उस दिन भी जो है मेरे शायद बुआ के हस्बैंड आए थे और मैंने देखा कि फिश लाते समय 2-3 बार बिल्ली क्रॉस कर गई मुझे। इवन मैं जिस बिल्डिंग में फिश खरीदने जा रही थी, स्टेप चढ़ के जा रही थी, स्टेप्स पे भी बिल्ली क्रॉस कर गई और मेरे पिछली कितनी सारी मछलियाँ मर गई। तो इस बार तो मैंने उनके लिए